मैं हूँ अरविंद चौधरी और आप देख रहे हैं डिजिटल लर्निंग यूट्यूब चैनल। और इसमें आज हम देख रहे थे एंड्रॉयड सीरीज़, जिसमें आज हम देखेंगे एंड्रॉयड सेटअप के बारे में और एंड्रॉयड सेटअप के लिए हमारे पास क्या क्या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। दूसरा, हम एंड्रॉयड का स्ट्रक्चर, जो एंड्रॉयड प्रोजेक्ट होता है, इसका स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि एंड्रॉयड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें कौन कौन से फोल्डर, कौन कौन सी फाइलें होती हैं, किस किस फाइल का क्या यूज़ होता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, जिसमें हमारे पास दो टाइप के सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। पहली जावा JDK, जो कि ओरेकल का प्रोडक्ट है, और दूसरा होता है हमारे पास एंड्रॉयड SDK। एंड्रॉयड SDK के अंदर इनबिल्ड हमारा एक एडिटर होता है, जिसको हम बोलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो। बेसिकली हम इसी एंड्रॉयड स्टूडियो पर अपनी जो एप्लीकेशन है उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, आप अपना ब्राउज़र ओपन कीजिए और जिसमें आप लिखिए डाउनलोड JDK। इसमें सबसे पहले आपको लिंक आती है जावा JDK, आप यहाँ जाइएगा और इसमें आप डाउनलोड सेगमेंट पे आपको ओरेकल JDK डाउनलोड करना है। यहाँ पर आपको डिफरेंट आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करना है जो लाइसेंस होता है JDK का। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यहाँ पर JDK का सॉफ्टवेयर है। आप अपने अकॉर्डिंग, आप अगर लिनक्स पे यूज़ कर रहे हैं तो लिनक्स के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, मैक के लिए यूज़ कर रहे हैं तो मैक के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, विंडोज़ में विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें आप 64 बिट और 32 बिट दोनों के लिए आपको अवेलेबल है, तो यहाँ से आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, मैं डाउनलोड नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर रखा है। दूसरा, एंड्रॉयड SDK, आपको जब आप एंड्रॉयड SDK अपने ब्राउज़र में लिखेंगे तो आपको एक एंड्रॉयड SDK की ऑफिशियल साइट देखेंगे, जो कि developerandroid.com के नाम से होती है। आप जैसे इसमें क्लिक करेंगे ये देखिए, यहाँ पर आपको आप जो भी अपना OS यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अपना एप्पल यूज़ कर रहा हूँ, मैक यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें ऑलरेडी मेरे मैक के लिए दे रखा है। अगर आप विंडोज़ यूज़ करेंगे तो ऑलरेडी वो विंडोज़ के लिए आपको डायरेक्टली दिखा देगा, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू कन्फ्यूगर ये रिकोगनाइज कर लेता है आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आपको सॉफ्टवेयर दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब आप दोनों को यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो ये आपको इस तरह दिखाई देगा, और इसी तरह आप JDK भी आप डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करना। अब जब आप JDK और SDK इंस्टॉल कर लेंगे, आपको SDK में इस टाइप की स्क्रीन दिखेगी, जिसमें आपको अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टार्ट ए न्यू एंड्रॉयड प्रोजेक्ट, ये आपको न्यू प्रोजेक्ट को ओपन करने क्रिएट करने के लिए। दूसरा है ओपन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, अगर आपने कोई ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है तो आप यहाँ से आप उसको ओपन कर सकते हैं। अब मैंने जैसे ही करूँगा मेरे को डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्रीन दिखाई देगी। तो बेसिकली ये जो होता है SDK ने ऑलरेडी हमें इनबिल्ड कुछ चीज़ें दे रखी, जैसे आप लॉगिन फॉर्म बनाएंगे तो
तो लॉगिन के लिए, मैप के लिए अगर मैप आपको मैप यूज़ करना है तो मैप के लिए, फुल स्क्रीन के लिए आपको एक्शन बार चाहिए या नहीं चाहिए, फ्रेगमेंट के लिए, नेविगेशन के लिए जो नेविगेशन ड्रावर के उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अभी हम इसका कोई किसी चीज़ का यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम एम्प्टी एक्टिविटी लेंगे। आपको यहाँ नेक्स्ट क्लिक करना है। अभी आप यहाँ देखेंगे आपको यहाँ अपने एप्लीकेशन का नेम देना, तो मैं अपने एप्लीकेशन का नाम दे देता हूँ हेलो। अब दूसरी चीज़ यहाँ आती है पैकेज नेम। पैकेज नेम के लिए आपको कोई सा भी आप पैकेज नेम रख सकते हैं। पैकेज नेम आपका क्या यूनिकली आइडेंटिफाईफिकेशन के लिए होता है। जब आप अपनी एप्लीकेशन बनाते हो और प्ले स्टोर पर डालते हो तो आपकी जो एप्लीकेशन होनी चाहिए यूनिक, मतलब उसका जो पैकेज नेम होना चाहिए यूनिक। अगर आप सेम पैकेज के नाम पैकेज नेम के नाम से अगर प्ले स्टोर पर दोबारा एप्लीकेशन डालेंगे तो या तो आप अपडेट करके डाल सकते हैं या फिर आप दूसरे पैकेज के नाम से डाल सकते हैं। सेम पैकेज में आप एप्लीकेशन नहीं डाल सकते, इसलिए आप थोड़ा सा पैकेज का नाम देते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि वो यूनिक हो। ठीक है, मैं यहाँ पर मैं देता हूँ com.demo.hello। मैंने इसलिए com.demo इसलिए मैं तीन डॉट डॉट करके दे रखा है ताकि ये मेरा यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाए। मतलब बहुत सारे लोग com.demo भी दे देते हैं, बहुत सारे लोग demo.hello भी दे देते हैं, तो मैंने इसीलिए इसको कर रखा। आप और भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो आता है सेव लोकेशन, आप किस लोकेशन पर अपने प्रोजेक्ट को सेव करना चाह रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक नया यहाँ पर फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और इसी फोल्डर के अंदर मैं अपने प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करूँगा, सॉरी सेव करूँगा। एंड्रॉयड प्रोजेक्ट के नाम से एक मैंने फोल्डर दे रखा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर उस प्रोजेक्ट का नाम देना, सॉरी थोड़ा सा मैंने ये स्पेस नहीं लेता, आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा स्पेस नहीं देना। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अपने जो फोल्डर है उसका पाथ दे देता हूँ, तो डेस्कटॉप पे मैंने दे रखा है एंड्रॉयड प्रोजेक्ट नाम का। ठीक है, ये नया प्रोजेक्ट का दे दिया। अब यहाँ पर लैंग्वेज जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है वो दो लैंग्वेज से इम्प्लीमेंट हो सकती है, एक तो कोटलिन और जावा। इसका जो बेस लैंग्वेज कौन सी होती है, कोटलिन होती है जावा होती है, तो हम जावा मैं जावा में यूज़ करता हूँ इसलिए मैं यहाँ जावा ही रखूँगा। ठीक है, दूसरा अब आता है मिनिमम API लिखें। मिनिमम यहाँ आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जितना आप मिनिमम देंगे जो भी API लेवल, सपोज़ मैंने 21 दिया तो जो 20 API लेवल वाले जो डिवाइस होंगे उन पे ये एप्लीकेशन रन नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा आप API लेवल जो मिनिमम API लेवल सेट करते चाहें, आप ध्यान रखिएगा आप कम से कम मिनिमम, क्योंकि अगर मैं जितना बढ़ाते जाऊँगा मेरा जो डिवाइस की जो मतलब डिवाइस की जो संख्या है वो कम होती जाएगी, या एक जो नंबर ऑफ डिवाइस है वो मेरे घटते जाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा मिनिमम ही दे तो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 21 देखा तो 85% जो डिवाइस है वो 21 से ऊपर है मार्केट में, तो वो एक अप्रॉक्स सिचुएशन बता रहा है कि अगर सपोज़ मैं यहाँ पर 19 दे देता हूँ तो ये 95% बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा बैलेंस में बना के रखें। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको फिनिश करता हूँ। अब यहाँ हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या प्रोजेक्ट जो हो रहा है वो बिल्ड हो रहा है। बिल्ड मतलब जब भी आप कोई प्रोजेक्ट नया क्रिएट करते हैं वो बिल्ड होता है, मतलब उसको जितनी भी सॉफ्टवेयर या जो भी जितने भी सेटअप या जितनी फाइल की रिक्वायरमेंट होती है वो ऑटोमेटिक अगर ऑनलाइन है तो इंस्टॉल कर लेता है।
ठीक है। अब हम यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे, प्रोजेक्ट में कौन कौन से फोल्डर होते हैं, क्या क्या और कौन कौन सी फाइल होती है, कौन सी फाइल किस पर्पस के लिए यूज़ होती है। तो सबसे पहले मैं हम यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे कि आपको आप जो एप्लीकेशन रन अपने एक AVD डिवाइस मतलब एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस पर रन कर सकते हैं या डायरेक्टली भी अपने जो आपका फिजिकल डिवाइस होता है उस पर आप रन कर सकते हैं। तो जो है बेसिकली ट्राई कीजिएगा आप अपने फिजिकल डिवाइस पे ही रन करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि वो एक्चुअल आपको आउटपुट दिखेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ें अगर आपको आपके पास सपोज़ फिजिकल डिवाइस नहीं है तो आप उसको वर्चुअल डिवाइस में भी रन कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ वर्चुअल डिवाइस कैसे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आप ये मोबाइल बने आइकॉन पर जाइएगा, इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक स्क्रीन दिखाई देगी, चलो जब तक ये मेरा AVD क्रिएट AVD डिवाइस की स्क्रीन आती है तब तक हम प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहला फोल्डर होता है मैनिफेस्ट। इसके अंदर एक हमारी फाइल होती है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट। अब जो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल होती है कि हमारी प्रोजेक्ट की ग्लोबल फाइल होती है। ग्लोबल फाइल मीन्स इसमें जितनी भी हम एक्टिविटी क्रिएट करते हैं, एक्टिविटी सर्विसेज या ब्रॉडकास्ट रिसीवर या कंटेंट प्रोवाइडर, उन्हें सभी को हमें यहाँ डिक्लेयर करना होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें हम जितनी भी परमिशन हमारी एप्लीकेशन के लिए परमिशन मीन्स जैसे सपोज़ आपने कोई एप्लीकेशन क्रिएट की, ठीक है। अब यूज़र को पता होना चाहिए कि मेरी क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहा है। सपोज़ कैमरा यूज़ कर रहा है, कॉन्टैक्ट यूज़ कर रहा है, तो मेरे जो एप्लीकेशन है वो मेरी क्या क्या रिसोर्स यूज़ कर रही है, तो ये हमें परमिशन डिफाइन करनी है। सपोज़ अगर कॉलिंग है तो यहाँ पर कॉलिंग के लिए डिफाइन करना, अगर मैसेजिंग को एक्सेस करना चाहते हो आप डिवाइस तो आपको मैसेजिंग या हार्डवेयर से रिलेटेड कैमरा है या ब्लूटूथ है या जो भी चीज़ें आप या वाईफाई है अगर को यूज़ करना चाह रहे हैं आपकी जो एप्लीकेशन, तो यहाँ पर परमिशन डिफाइन करना होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें ये जो है ये हमारा पैकेज नेम है com.demo.hello, ठीक है। उसके अंदर हमारा एक आता है एप्लीकेशन, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ कंप्लीट होता है, मतलब ये एप्लीकेशन के अंदर पूरी क्या क्या चीज़ें हमें रखनी है प्रोजेक्ट के एप्लीकेशन के अंदर, वो सारी चीज़ें डिफाइन करनी होती है। अलो बैकअप, मतलब ये बैकअप के लिए यूज़ किए जाते हैं। दूसरी चीज़ आती है आइकॉन, यहाँ पर हम जो भी हमारा एप्लीकेशन होता है उसका आइकॉन सेट कर सकते हैं। अब सपोज़ यहाँ पर आप देखेंगे icon@mipmap/forward/ic launcher, तो इस लाइन का मतलब ये है कि ये जो मेरा मिपमैप नाम का एक फोल्डर है उसके अंदर एक आईसी लॉन्चर नाम की जो इमेज है वो रखी है, और ये मेरी जो इमेज है वो आइकॉन इमेज है। तो हम देख लेते हैं, आप रिसोर्स के अंदर जाइएगा ये मिपमैप, और मिपमैप के अंदर यहाँ पर मेरे जो इमेज का रखी हुई। अब इसमें अब एक चीज़ ये आती है कि आप देख रहे हो कि यह मैंने एक ही इमेज के डिफरेंट डिफरेंट साइज़ों में रखी है, तो आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों होता है। इसका मेन रीज़न ये होता है कि जब भी आप अलग अलग डिवाइस के लिए अलग बनाते हैं जो एप्लीकेशन, सपोज़ मैंने कोई टैबलेट के लिए, अब टैबलेट का मेरा 7 इंच से लेकर 10 इंच तक स्क्रीन साइज़ होती है, उसका रिजोल्यूशन अलग होता है, या फिर मेरा मोबाइल है तो उसका रिजोल्यूशन और स्क्रीन साइज़ डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो यहाँ क्या करते हैं, हम अपनी जो डिवाइस है उसके अकॉर्डिंग मतलब सारी इमेजेस रख देते हैं, तो जो भी एप्लीकेशन रन करेगी वो स्क्रीन साइज़ के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी। सपोज़ मेरा कोई छोटा डिवाइस है तो उसमें 36x36 सपोज़ इसका अगर देखेंगे तो जो HDPI इसका 72x72 मतलब इसके अकॉर्डिंग जो भी डिवाइस स्क्रीन साइज़ होगी उसके अकॉर्डिंग ये इमेज फिट हो जाएगी। यहाँ पर दूसरी आती है MDPI, इसका 48x48 होता है। XDPI एक हमारी दूसरी XDPI इमेज है, इसका 96x96 होता है स्क्रीन साइज़ XXI। जैसे आप अगर
अपने टैबलेट के लिए बना रहे हैं तो ये वाली जो इमेज फिट होगी उसमें, अगर आप मोबाइल के लिए बना रहे हैं तो ये वाली फ़िट होगी। तो वो जितने भी स्क्रीन साइज़ होगी उसके अकॉर्डिंग वो फिट होती जाएगी। अब दूसरी चीज़ हमारी आती है लेबल। लेबल मीन्स आप, अब देखिए इसमें आप यहाँ से देखेंगे ये जो लेबल होता है ये हमारा एप्लीकेशन का नेम रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आप देखेंगे एट द रेट स्ट्रिंग, मतलब एक एट द रेट स्ट्रिंग वैल्यूज़ के अंदर एक स्ट्रिंग नाम का फोल्डर, उसके अंदर एप नेम ये लेबल नाम से हमारा रखा हुआ, तो ये एप नेम, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एप्लीकेशन का नेम। आप डायरेक्टली भी यहाँ नाम रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। दूसरा अब हमारा एक आता है राउंड आइकॉन। अगर आपको एप्लीकेशन का राउंड आइकॉन रखना तो वहाँ पर ये रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता थीम। आप थीम कैसी चाहती है, जैसे एक थीम बार में नो टाइटल बार, मतलब उसमें कोई टाइटल नहीं चाहते या उसमें टाइटल चाहते हैं, तो ये आप देख सकते हैं एट द रेट स्टाइल। अब देखिए यहाँ पर एक स्टाइल नाम की हमारा फाइल होगी और इसके अंदर हमारी थीम, ऐप थीम। तो यहाँ पर क्या है, ऐप थीम नाम का लेबल होगा और इसके अंदर देखिए यहाँ पर आप लाइट डार्क एक्शन बार होगा, ठीक है। आप यहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं नो एक्शन बार, ये भी कर सकते हैं, ये नो एक्शन बार भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए हम इसको मतलब थीम के लिए हमारा यूज़ करते हैं। अब ये हमारी एक्टिविटी डिक्लेरेशन होती है, यहाँ पर हम एक्टिविटी का नाम देते हैं। अब ये हमारी मेन एक्टिविटी, ये हमारी मेन एक्टिविटी मीन्स जो हमारी मेन एक्टिविटी है इसका नाम डिक्लेयर किया हमने, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें आती है, एक होता है इंटेंट फिल्टर, इसमें एक्शन होती है मेन, मतलब ये जो मेन हमारी होम स्क्रीन उसके अंदर रहेगा, और दूसरा आता है कैटेगरी। कैटेगरी के अंदर हमने इसको डिफाइन किया लॉन्चर। लॉन्चर मीन जब भी एप्लीकेशन ओपन होगी तो सबसे पहले ये वाली एक्टिविटी ओपन होगी। जिस भी एक्टिविटी को हम लॉन्चर बनाते हैं वो सबसे पहले हमारे सबसे मतलब जिस एक्टिविटी को हम लॉन्चर बनाते हैं वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी, मतलब वो सबसे पहले डिस्प्ले होगी, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा आता है एक्टिविटी, अब यहाँ हमने एक्टिविटी का नाम दे रखा मेन एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी, ठीक है। अभी जो मेन एक्टिविटी होती है इसमें ये किससे एक्सटेंड हुई है, ऐप कॉम्प एक्टिविटी, मीन्स इसकी सुपर क्लास कौन सी है, ऐप कॉम्प मेन एक्टिविटी। हर एक्टिविटी इसी एक्टिविटी से, या हम डायरेक्टली इसको ऐसा भी कर सकते हैं एक्टिविटी, ठीक है, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है, सॉरी यहाँ पर मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा, चलो ठीक है इसको बाद में देखें, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है यहाँ पर ऑन क्रिएट। अब जो हमारी एक्टिविटी उसकी लाइफ साइकिल का जो मेथड, ये की मेथड है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स होती है एक्टिविटी की लाइफ साइकिल, तो वो हम बाद में देखेंगे। ये हमारा सुपर ऑन क्रिएट, मतलब जो हमारी सुपर एक्टिविटी है उसकी मेथड को कॉल किया है, और यहाँ सेट कंटिन्यू, सेट कंटिन्यू यहाँ पर आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी मेन। अभी जो एक्टिविटी मेन है ये हमारी एक एक्सएमएल फाइल है जो यूआई रिप्रेजेंटेशन के लिए होती है। तो जितना भी हम लॉजिकल वर्क करते हैं, जैसे सपोज कोई बटन है, बटन क्लिक होने पे क्या एक्शन परफॉर्म होना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ लिखते हैं। बटन क्रिएट कहाँ करते हैं, वो एक्टिविटी मेन के अंदर करते हैं। तो जो हमारा यूआई रिप्रेजेंटेशन का काम होता है वो हम कहाँ लिखते हैं, एक्सएमएल फाइल के अंदर। और जो हमारी एक्टिविटी मेन है एक्सएमएल फाइल, और जितना भी लॉजिकल वर्क होता है वो हम कहाँ लिखते हैं, हमारी मेन एक्टिविटी जो जावा फाइल है इसके अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा फोल्डर आता है ये आता है ड्राइवर। ये सारी चीज़ें होती है ऑटो जनरेट होती है, इस पर हमको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। दूसरी चीज़ आती है ड्रावेबल। ड्रावेबल के अंदर जितनी भी हम हमारी जो इमेजेस हैं वो सारी हम यहाँ रखते हैं। दूसरी नेक्स्ट हमारी आती है लेआउट। इसके अंदर हमारी जितनी भी एक्सएमएल फाइल हो, जितनी भी हम यूआई के लिए यूज़ करते हैं एक्सएमएल फाइल, वो सारी एक्सएमएल फाइल हम कहाँ रखते हैं, लेआउट के अंदर।
अब मैप मैप का तो आप ऑलरेडी जान चुके, ये भी इमेजेस के लिए यूज़ होती है। पहले मैप मैप यूज़ नहीं होती थी, पहले डाबल ही यूज़ होता था, पर रिसेंटली जो होता है जो एंड्रॉयड स्टूडियो में मैप मैप अधिकतर होता है। नेक्स्ट जो हमारा था वैल्यूज, वैल्यूज़ के अंदर एक होता हमारा कलर, यहाँ पर आप जितने भी कलर आपने एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करते हैं वो सारे आप यहाँ पर देख सकते हैं या आप लिख सकते हैं। दूसरा स्ट्रिंग, ये हमारे जितने भी आप स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं वो सारी स्ट्रिंग यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं। और एक हमारा स्टाइल फाइल होती है, स्टाइल के अंदर आप किस टाइप का आपकी एप्लीकेशन का स्टाइल रखना चाहते हैं, मतलब एक्शन बार किस टाइप का रखना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी ग्रेडल। ग्रेडल में अंदर दो चीज़ें होती, एक तो एप्लीकेशन ग्रेडल होता है और एक होता है मॉड्यूल ग्रेडल। एप्लीकेशन ग्रेडल के अंदर हमारा जो भी हमारा किस टाइप का ग्रेडल होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, मेनली जो ग्रेडल यूज़ किया जाता है, जैसे आप देखते होंगे कि जिसमें आप थर्ड पार्टी अगर कोई लाइब्रेरी यूज़ करना है या थर्ड चीज़ें तो वो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, मतलब वो आपको यहाँ डिफाइन करना होता है, ठीक है, मतलब ऐप मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, हमारे प्रोजेक्ट में जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होती है। रिप्रेजेंटेशन मतलब आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखेंगे, ये आपका हो गया कंपाइल वर्जन, मतलब आप किस वर्जन पे आप इसको कंपाइल कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म को, ठीक है। आप यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम भी सेट कर सकते हैं, बिल्ड वर्जन का क्या मतलब बिल्ड टूल है उसका क्या वर्जन होता है, ठीक है। ये आपका हो गया पैकेज नेम, मिनिमम मैक्सिमम टारगेट वर्जन, आपका एप्लीकेशन का क्या वर्जन है, मतलब आप एप्लीकेशन किस कौन सा वर्ज़न है। अगर आप जैसे आपने कोई एप्लीकेशन बनाई और आप कुछ टाइम बाद उसको अपडेट करना चाहें प्ले स्टोर में, तो आपके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, आपको वर्जन चेंज करके उसको आप सेम पैकेज की एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर पर डाल सकते हैं। और यहाँ पर ये जितनी भी हमारी लाइब्रेरी होती है वो आप यहाँ डाल सकते हैं, जितनी भी जैसे जे यूनिट लाइब्रेरी होती है जावा की वो यहाँ पर है, तो वो ऐप कॉम्पैक्ट जो लाइब्रेरी वो आप यहाँ यूज़ कर रहे हैं तो उसका पाथ दे रहे हैं जी। ग्रेडल मींस जब भी आप सपोज़ ग्रेडल का मेनली यूज़ होता है, सपोज़ आपने कोई एप्लीकेशन बना दी किसी अलग वर्जन पे और आप उसको किसी अलग वर्जन पे लाके आप उसको रन करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा, जो ग्रेडल होगा वो तो पहले बिल्ड होगा, मतलब जिस वर्जन के लिए आपने बनाई थी उस वर्जन के अकॉर्डिंग वो पहले पैकेज डाउनलोड करेगा। सपोज़ आपने कोई 28 वर्जन के लिए बना रखी है कोई एप्लीकेशन, आप जो यूज़ कर रहे हो 29 कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, जो 28 के जो जितने भी पैकेजेस है वो फाइल पैकेजेस या जो भी उसके लिए रिक्वायर लाइब्रेरी होगी वो इंस्टॉल करेगा। ग्रेडर का जो मेनली होता है सॉफ्टवेयर अपडेशन के लिए और इन चीज़ों के लिए अधिकतर यूज़ करते हैं। तो आज के इसमें काफ़ी हो गया, हम आगे नेक्स्ट इसमें देखेंगे, नेक्स्ट में हम देखेंगे बेसिक्स क्या क्या होता है।